सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार मानती है कि उसकी लड़ाई कंगना के खिलाफ है, न कि कोविड-19 के खिलाफ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अधिकतम कोरोना मामले हैं और कोरोना के कारण देश की 40% मौत मुंबई में हो रही है। सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है, हर दिन 23 से 25 हजार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है, उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे, इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो, इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है?